हेलो फ्रेंड, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीन फंक्शंस जिसको यूज करके आप मैट्रिक्स की डाइमेंशंस का पता कर सकते हैं। तो वो तीन फंक्शन है हमारे लेंथ, साइज एंड न्यूमेरल। तो सबसे पहले अगर हम देखें फंक्शन लेंथ, तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स क्रिएट ऑलरेडी करा हुआ है। इसको पहले सीएससी करते हैं, क्लीन एंड देन ए। तो एक मैट्रिक्स ऑलरेडी है। तो अगर मैं फंक्शन लेंथ लिख के और उसके में आर्गुमेंट देता हूँ मैट्रिक्स, मीन्स मैट्रिक्स का नेम, तो एंटर करता हूँ तो इट इज़ गिविंग मी 3, राइट। अगर सपोज मैंने एक वेक्टर बना रखा है 1:5, अगर मैं इस लेंथ करके लेंथ फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट देता हूँ बी, तो ये मेरे को दे रहा है 5। तो यहाँ पर ये लेंथ फंक्शन क्या करता है, ये मेरे को देता है साइज ऑफ दी मैट्रिक्स और दी वेक्टर। अब वेक्टर में हमारे 5 एलिमेंट है तो उसने 5 दे दिए, लेकिन अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 3 कॉलम्स है एंड 2 रोज है। तो ये लेंथ फंक्शन क्या करता है कि रो और कॉलम जिसकी भी वैल्यू, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही वैल्यू एज एन आउटपुट रिटर्न कर देगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है इसलिए उसने कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू दे दी कि 3 कॉलम्स आर देयर, राइट। अगर हमारा सपोज हमारा एक मैट्रिक्स होता है, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं इसको, तो यानी कि सी हमारा हो गया जिसमें 3 रोज है 2 कॉलम है। तो अगर मैं अब लेंथ फंक्शन यूज करता हूँ सी पे, तो ये मेरे को अगेन 3 देगा, बट इस बार उसने रो के करस्पॉन्डिंग दी है। ओके, तो इस लेंथ फंक्शन मैट्रिक्स में लेंथ फंक्शन क्या करता है कि वो चेक करता है कि नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है या फिर नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा होगा वो वही नंबर रिटर्न कर देगा। और वेक्टर में वो, क्योंकि वेक्टर सिंगल डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशन होता है, तो इसलिए चाहे वो रो वेक्टर हो या कॉलम वेक्टर हो, वो उसका साइज वैसे का वैसा ही रखता है। जैसे हमारा बी है, बी इज़ अ रो वेक्टर, राइट। अगर मैं सपोज एक डी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज करता हूँ, बी ट्रांसपोज, तो ये मेरा कॉलम वेक्टर हो गया। और अगर मैं अब लेंथ पे डी लगाता हूँ तो अगेन इट इज़ गिविंग मी 5। तो बी में भी 5 और रो वेक्टर में भी 5 एंड कॉलम वेक्टर में भी 5। तो लेंथ फंक्शन हमें जस्ट रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देता है और मैट्रिक्स में जो भी मैक्सिमम होगा उसके करस्पॉन्डिंग वो नंबर ले लेगा, राइट। अब लेंथ के बाद हम देखते हैं अबाउट दी फंक्शन न्यूमेरल। तो अगर मैं न्यूमेरल ए करता हूँ तो ये मेरे को बता रहा है 6, राइट। तो न्यूमेरल क्या करता है, यह हमें बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, नम स्टैंड्स फॉर नंबर, ई एल स्टैंड फॉर एलिमेंट्स, कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैंने ए किया तब भी 6 बता रहा है, अगर मैं बी करता हूँ तो ये 5 बताएगा, सी करता हूँ तो 6 बताएगा, और डी करता हूँ तो 5 बताएगा। क्योंकि सी जो है, सी मैट्रिक्स, अगर मैं सी को ओपन करता हूँ तो सी हमारा ये है ट्रांसपोज ऑफ ए, तो सी में भी 6 एलिमेंट है, ए में भी 6 एलिमेंट है, इसीलिए हमारा जो ए के करस्पॉन्डिंग न्यूमेरल ने ए के करस्पॉन्डिंग 6 दिया एंड सी के करस्पॉन्डिंग 6 दिया। बी में हमारे 5 एलिमेंट्स थे और डी हमारा वेक्टर था, कॉलम वेक्टर। तो अगर इसको भी ओपन करते हैं और चेक करते हैं तो डी हमारा कॉलम वेक्टर है लेकिन टोटल एलिमेंट 5 ही है, तो इसीलिए न्यूमेरल ने इसको भी रिटर्न 5 किया। सो न्यूमेरल यूज करके हम मैट्रिक्स में, चाहे वो मैट्रिक्स या फिर वेक्टर, हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन इज द साइज फंक्शन। साइज फंक्शन क्या करता है कि साइज फंक्शन, अगर मैं ए लिखता हूँ तो वो मेरे को डायमेंशन बता देगा नंबर ऑफ रो एंड कॉलम की, फर्स्ट नंबर बताएगा नंबर ऑफ रो, सेकेंड नंबर बताएगा नंबर ऑफ कॉलम कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। अगर मैं सी लिखता हूँ, जो कि सी था हमारा ए का ट्रांसपोज, तो अभी ये बता रहा है 3 रोज है एंड 2 कॉलम है। अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर सी क्या है, तो यू कैन सी 3 रोज आर देयर, ओके, एंड 2 कॉलम्स आर देयर। अगर मैं
ये सेम फंक्शन अगर बी में लगाते हैं तो वो बता देगा सिंगल रो एंड फाइव कॉलम्स, क्योंकि हमारा बी रो वेक्टर है। अगर मैं ये डी में लगाता हूँ तो वो डी हमारा कॉलम वेक्टर है, तो फाइव रोस एंड वन कॉलम। तो हमारा जो साइज फंक्शन है वो हमारा एग्जैक्ट डायमेंशन बता रहा है कि हमारा जो डायमेंशन है वो क्या है वेक्टर का इन द मैट्रिक्स। अब इसी में एक होता है, अगर मैं लाइक सपोज ए कॉमा वन करता हूँ तो अब ये क्या देगा, ए के नंबर दे रहा है। कौन सा नंबर, अगर मैंने कॉमा वन लगाया तो ये मेरे को बताएगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, अगर मैंने कॉमा टू लगाया तो ये मेरे को बताएगा नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो अगर मुझे सिर्फ सपोज अगर मेरे को सिर्फ नंबर ऑफ रो पता करनी है तो मैं कॉमा वन लगा सकता हूँ, अगर मैं मुझे सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम पता करना है तो मैं कॉमा करके टू लगा सकता हूँ, राइट। सो इस तरीके से हम डायमेंशन को कि रो कितनी है कॉलम कितनी है वो हम पता कर सकते हैं। सो अगर कोई डाउट है इन तीनों फंक्शन में तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।